जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM PM टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 40वां अध्याय। जलाराम बापा के चरण जहां पड़ते थे वह जगह स्वतः पवित्र हो जाती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से हर किसी का कल्याण हो जाता था। फिर चाहे वह इंसान हो या कोई और, एक रोज जलाराम बापा अपने कुछ सेवकों के साथ झिंझुड़ा गांव जा रहे थे। वहां महात्मा कानटगर की स्मृति में संत मेले का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने जलाराम बापा को भी निमंत्रण मिला था। जलाराम बापा सुबह से ही झिंझुड़ा गांव जाने के लिए घर से निकल गए थे। दोपहर को जब सफर के दौरान रास्ते में जड़िया कोटड़ा गांव आया, तब कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से जलाराम बापा अपने सेवकों के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुककर डेरा डाल दिया। जलाराम बापा के रुकने की खबर अन्य राहगीरों के जरिए पूरे गांव में तेजी से फैल गई। उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु ग्रामवासी उमड़ पड़े। गांव के मुखिया सहित कुछ लोग भोजन भी साथ ले आए। जलाराम बापा ने फिर उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। भोजन उपरांत जलाराम बापा से श्रद्धालुओं ने गांव के भीतर चलने का अनुरोध किया। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, पापा आप हमारे गांव के अंदर पधारेंगे तो हम सब गांव वालों के भाग्य खुल जाएंगे। पापा हमारा गांव धन्य हो जाएगा। पापा तब जलाराम बापा बोले, भाइयों मैं संत मेले में सम्मिलित होने के लिए झिंझुड़ा गांव जा रहा हूं। वहां मुझे शीघ्र पहुंचना है, इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ चलने में असमर्थ हूं भाइयों। हाँ लौटते समय अगर आप लोग कहेंगे तो अवश्य आ सकता हूं। फिर मुखिया ने मायूस होकर कहा, ठीक है बापा, जैसा आप उचित समझे बापा। आपसे एक विनती है बापा, आप आदेश दें तो मैं कहूं। जलाराम बापा ने विनम्रता से कहा, भाई मैं तो आप लोग का सेवक हूं, कोई भी कार्य हो संकट हो तो बताओ खुलकर, कहने में कोई संकोच मत करो। मुखिया के चेहरे पर भय का भाव छलकने लगा। उसने दबी जुबान से कहा, बापा आप अभी जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं बापा, दरअसल उस पर भूतों का वास है बापा। भूतों
मोतिया पेड़ होने के कारण यहां से राहगीर गुजरने से बहुत डरते हैं पापा। गांव वालों का तो ये भी मानना है कि कुछ लोग जो पागल हुए हैं उसकी वजह यही पेड़ है पापा। कुछ लोगों की मौत भूत के भय के कारण भी हो चुकी है पापा। पापा अब आप ही संकट से हमें छुटकारा दिला सकते हैं पापा। जलाराम बापा थोड़ी देर मौन रहे, तत्पश्चात खड़े होकर उन्होंने सिर ऊपर किया और पेड़ पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। फिर जलाराम बापा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई डरने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों के भीतर का भय मैं अभी सदा के लिए दूर किए देता हूं भाई। इतना कहकर जलाराम बापा ने अपनी आंखें बंद की और प्रभु श्री राम का जप करने लगे। इसके बाद उन्होंने पेड़ की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। उन्होंने जैसे ही पेड़ के 7 फेरे पूरे किए, वैसे ही जोर की गड़गड़ाहट हुई, बरगद के पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, पुनः गड़गड़ाहट होने से वहां मौजूद ग्रामवासी सहम गए। लोग भय से कांपते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। अगले ही क्षण जलाराम बापा ने हंसते हुए कहा, भाइयों अब से आप लोग भूत के भय से सदा के लिए मुक्त हो गए हैं भाइयों। और इन भूतों को भी मुक्ति मिल गई है भाइयों। आप लोगों के साथ इन भूतों का भी उद्धार हो गया है भाइयों। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिना डरे अब यहां से आना जाना कर सकते हैं भाइयों। अब कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, यहां भूत का वास सदा के लिए समाप्त हो गया है भाइयों। यह खुशखबरी सुनकर ग्रामवासी प्रसन्न होकर झूमने लगे। सबने जलाराम बापा के जयकारे लगाए, जय जलाराम बापा, जय जलाराम बापा, तुम्हारी महिमा अपरंपार छे बापा, जय जलाराम बापा। फिर सभी ने क्रमवार जलाराम बापा के चरण स्पर्श कर उनका आभार जताया। कुछ देर बाद जलाराम बापा अपने सेवकों के साथ गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। और साथियों अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।